हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा देसाई। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़्लाइट में हम चेक इन बैगेज में और हैंड बैगेज में क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम लोग चेक इन कर रहे होते हैं तब पैसेंजर पूरा बैग पैक करके आ जाते हैं, और जब हम चेक इन काउंटर पे उन्हें बता देते हैं कि नहीं ये चीज़ अलाउड नहीं है, वो चीज़ अलाउड नहीं, फिर उनको फिर से पूरा पैकिंग निकालना पड़ता है, फिर उसमें से वो चीज़ निकालनी पड़ती है, तो उसमें बहुत देर हो जाती है। और जो भी हमने अच्छे से पैक किया होता है वो भी मतलब बहुत ये हो जाता है ना, दिक्कत। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि जो जो चीज़ें होती है जो मुझे पता है कि वो अलाउड है नहीं अलाउड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम बैग ले जाते हैं, जैसे कि मुझे स्पाइस जेट का पता है तो मैं स्पाइस जेट के बारे में बताऊंगी, और ऑलमोस्ट सेम है वैसे सारी एयरलाइंस में। तो वहाँ दो बैग्स होते हैं, एक चेक इन और एक हैंड बैग। जो हैंड बैग होता है जो हम खुद के साथ एयरक्राफ्ट में ले जाते हैं वो होता है 7 kg तक अलाउड, और जो हम चेक इन में देते हैं वो बैग होता है 15 kg तक अलाउड। तो जो भी हमारा चेक इन बैग होता है उसमें कोई भी बैटरी ऑपरेटेड आइटम हो तो वो नहीं चलता है, जैसे कि हमारी पावर बैंक हो, ई सिगरेट हो, लाइटर हो, ये चीज़ें जो होती है ना वो हमारे चेक इन बैग में नहीं चलती। तो ये चीज़ें आप हैंड बैग में अपने कैरी कर सकते हो, तो ये याद रखना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने लैपटॉप या फिर ई सिगरेट या फिर लाइटर, ये जो चीज़ें होती है वो रखी है हमारे चेक इन बैग में, फिर वो सारी निकालनी पड़ती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि चेक इन लगेज में आपको कोई भी बैटरी ऑपरेटेड आइटम लेके नहीं जाना है। और बाकी जो भी हैंड आउट्स में जो लिखा होता है वो मैं अभी वीडियो के नेक्स्ट में मतलब डाल रही हूँ, तो वो चेक करना और वैसे ही वो चीज़ें बैग में लेके जाना। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।